Oh, it's bone soup. हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज जो मूवी मैं आपके लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है बीटन टू डेथ, जो कि मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे ब्रूटल मूवीज में से एक है। और ये मूवी हद से ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है। मूवी में बहुत से डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, जो कि आपका रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। और मूवी बहुत ही इमोशनल मूवी है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जैक नाम के एक आदमी से शुरू होती है, जो कि जख्मी हालत में एक अनजाने जगह पर किसी से बचकर भाग रहा था। तो आखिर जैक की ऐसी हालत कैसे हुई और वो किससे बचकर भाग रहा था, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सीन कट होता है और अब कहानी 48 घंटे पहले से शुरू होती है, जहाँ पर रिकी नाम का एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से जैक को पीट रहा था। बहुत देर तक जैक को पीटने के बाद में रिकी उस घर से बाहर अपनी कार से एक रोप और पेट्रोल लाता है, ताकि वो जैक को जला सके। फिर घर के अंदर आने के बाद में वो जैक का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। और तब खुद को बचाने के लिए जैक पास में पड़ी ग्लास की बोतल को तोड़कर रिकी के गले में घुसा देता है, जिससे कि कुछ ही समय में तड़प तड़प कर रिकी की मौत हो जाती है। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर सबसे पहले जैक अपनी वाइफ रेचल को देखने के लिए पासी के रूम में जाता है। वो देखता है कि रेचल के सर में बहुत ही गहरा जख्म है। जैक बहुत कोशिश करता है रेचल को उठाने की, लेकिन वो देखता है कि वो बेहोश है। वो उसे CPR भी देता है, लेकिन रेचल की मौत कब की हो चुकी थी। अब जो कुछ भी हो, किसी तरीके से जैक को वहां से निकलना था और उसे अपनी वाइफ रेचल की डेड बॉडी भी घर पर लेकर जानी थी। तो इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए उस घर से बाहर निकलता है। पहले तो रिकी की कार में बैठ जाता है, लेकिन उस कार की कीज वहां नहीं थी और ना ही रिकी के पास में उसे उस कार की कीज मिलती है। तो इसीलिए जैक पैदल ही हेल्प मांगने के लिए आसपास के इलाके में जाने लगता है। सीन कट होता है और कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जैक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली है और अंदर से वो बहुत ही रो रहा था, और आंखें नहीं होने की वजह से उसके आंसू तक नहीं निकल रहे थे। और उसे कुछ आइडिया नहीं था कि वो आखिर कहाँ पर है, उसे कहाँ पर जाना है। वो बस सूरज की गर्मी को फील करके ईस्ट और वेस्ट साइड का पता लगा रहा था। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहाँ पर जैक नेड नाम के एक आदमी के घर तक आ गया था। नेट का डॉग जैक को देखकर भौंकने लगता है और तब जाकर नेट को जैक नजर आता है। फिर जैक भी उसके पास में आकर हेल्प मांगता है। पहले तो नेट सोचता है कि जैक के कार का बस एक्सीडेंट हुआ होगा, तो इसीलिए वो उसे हेल्प मांगने के लिए आया है। लेकिन जब जैक उसे रिकी के बारे में बताता है, तो नेट जैक को अपने घर के अंदर लाता है। घर के अंदर जैक की माँ एना थी, जो कि बहुत बीमार थी और वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर जिंदा थी। अंदर आते ही जैक किचन से पानी पीता है और उसके बाद में नेड के साथ में रिकी के घर के लिए निकल जाता है। जैक नहीं चाहता था कि नेड अपने साथ में गन भी लेकर जाए, लेकिन नेड के मुताबिक गन उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता जैक जिस किलर के बारे में बात कर रहा है वो जिंदा हो और उनके ऊपर हमला कर दें। रास्ते में नेड अपनी कार के रेडियो पर एक सॉन्ग सुनता हुआ जा रहा था, और उस सॉन्ग को सुनकर जैक को अपनी वाइफ रेचल की याद आती है। रेचल एक सिंगर थी और पार्टीज में वो भी इसी सॉन्ग को गाया करती थी। कुछ देर के बाद में जब दोनों रिकी के घर तक आते हैं, तो नेड जैक को कार में रहने को बोलकर खुद घर के अंदर जाता है। लेकिन जब नेड बहुत समय तक घर के बाहर नहीं आता है, तो जैक खुद कार से निकलकर घर के अंदर नेड को देखने जाता है। वहां पर वो देखता है कि नेड रिकी की डेड बॉडी के पास में बैठकर रो रहा है और उसे बोल रहा है कि वो जैक को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसे बुरी तरह सजा देगा। वो तब जाकर नेड को समझ में आता है कि उसने गलत आदमी से हेल्प मांग ली है। दरअसल नेड रिकी का ही बड़ा भाई था, जो कि अब जैक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। तो इसलिए जैक अपनी जान बचाकर यहाँ वो भागने लगता है। वो नेड कार लेकर उसका पीछा कर रहा था। नेड उसे कार से कुचलने वाला था, लेकिन सही समय पर जैक साइड हो जाता है और घास के बीच में छुप जाता है। अब जैक ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रह सकता था, क्योंकि नेड जिस तरीके से यहाँ वह कार चला रहा था, वो किसी भी समय जैक को कार से कुचल सकता था। तो इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन आगे दलदल में जैक गिर जाता है और वहाँ से उठने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तब तक वहाँ पर नेड भी आ चुका था, जो कि उसे पकड़ लेता है और पीट पीट कर उसे फिर से कार में बैठा देता है। फिर नेड जैक को रिकी के घर तक ले जाता है और वहाँ पर वो जैक को बुरी तरीके से पीटने लगता है और वो उसे एक चेयर से बांध देता है। नेड के मुताबिक रिकी उनकी फैमिली में सबसे अच्छा लड़का था और वो सबकी बातें मानता था और वो डिसिप्लिन में भी रहता था।
उसके मुताबिक रिकी को गलती हो ही नहीं सकती, वो तो बस अपना काम कर रहा था। उल्टा जैक यहाँ से बिलोंग नहीं करता था, तो वो क्यों उनके जगह पर आया? और वहाँ पर आकर उसने उसके भाई की जान भी ले ली, तो इसीलिए वो भी जैक को इतना ज़्यादा दर्द देगा जितना उसके भाई को हुआ है। ये सब कहकर नेड पहले तो रूम के पर्दे हटा देता है और उसके बाद में वो जैक की वाइफ रेचल की डेड बॉडी को उसके सामने रखता है, क्योंकि नेड अब जैक की आंखें निकालने वाला था। और आंखें निकालने से पहले वो जैक को आखिरी मौका देता है सूरज की रोशनी और अपनी पत्नी रेचल का चेहरा देखने का। जैक नेड से माफ़ी मांगता है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा नहीं करे, लेकिन नेड फिर भी बहुत ही ब्रूटली जैक की एक आंख में चाकू घुसाकर उसकी आंखों को फोड़ देता है। जैक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी नेड को जैक पर जरा भी दया नहीं आती है। जैक की एक आंख फूट चुकी थी और उसकी बस एक ही आंख बची हुई थी, जिससे वो रेचल की तरफ देखने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरी समय पर नेड जैक को रेचल का फेस नहीं बल्कि अपना फेस दिखाता है और उसकी बची खुची दूसरी आंख भी चाकू से फोड़ देता है। और यहीं पर सीन ब्लैकआउट हो जाता है और हमें बस जैक की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है, क्योंकि इस समय पर हम जैक की तरफ से फिल्म को देख रहे हैं, क्योंकि इस समय पर हम जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को देख रहे हैं। और जैक के लिए पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब चुकी है, लेकिन फिर भी नेड का मन नहीं भरता है और वो जीसस क्राइस्ट की तरह जैक के हाथों में खिल ठोक कर उसे रूम की दीवार पर टांग देता है। तो अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आखिर जैक अंधा कैसे हुआ। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आती है, जहाँ पर जैक एक लकड़ी से रास्ता ढूंढता हुआ आगे जा रहा था, तभी उसके पास में एक कुत्ता आता है और उस कुत्ते को अपने पास में फील करके जैक बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अगर ये कुत्ता यहाँ पर है तो उसका ओनर भी आसपास ही होगा, जिससे उसको हेल्प मिल सकती है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो डॉग तो नेट का ही डॉग है और वो उस डॉग की आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि वो उसके ऑनर तक पहुँच सके। वो कुत्ता जैक से दूर चला जाता है और कुत्ते के जाते ही जैक बहुत ही दुखी और अकेला फील करता है और उसे फिर से समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए। अब उस कुत्ते की वजह से उसे थोड़ी होप नज़र आ रही थी और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पर जैक के वेट की वजह से वो अपने आप कील से निकलकर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ कील की वजह से चीर जाते हैं, जिसके बाद में वो दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर किसी तरह उसके हाथों में नेट की गन लग जाती है और उस गन से वो पहले खुद की जान लेने की सोचता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की जान ले पाए, तो इसीलिए वो वही गन उठाकर उस घर से भागने लगता है। उसे पता नहीं था कि किस तरफ उसे जाना है, वो बस भागे जा रहा था और उसे भागते हुए नेड देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर नेड जैक की तरफ चीज़ें फेंक कर उसका मजाक बना रहा था। जैक को जहाँ से भी कोई साउंड सुनाई दे रहा था वो उसी की तरफ गोली चला रहा था, लेकिन जल्दी सभी छः गोलियाँ खत्म हो जाती है और तब नेड उसके पास में आता है और उसे बुरी तरह पीट कर उसे रस्सी से बांध कर उसे घसीटते हुए अपने साथ में उसे जगह पर वापस ले जाता है। जैक नेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जान से मार डाले, क्योंकि इस तरह उसे तड़पाने से ज़्यादा अच्छा है उसे मौत ही मिले। लेकिन नेड इतनी आसानी से उसे मारने वाला नहीं था, वो वहीं पर एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो जैक को जिंदा दफना सके। लेकिन थोड़ी देर के बाद में नेड जैक को ही वो गड्ढा खोदने को कहता है, पर सब कुछ जानकर जैक खुद के लिए गड्ढा कैसे खोदता, तो इसीलिए वो इस काम के लिए नेड को मना कर देता है। और तब नेड जैक को एक ऑफर करता है कि अगर जैक अपने खुद के लिए कब्र खोदेगा तो कुछ दिनों के बाद में उसकी फैमिली तक उसकी कब्र के बारे में खबर पहुंचा देगा, ताकि उसकी फैमिली को उसकी डेड बॉडी मिल जाए और इस झूठी उम्मीद में वे लोग ना रहे कि जैक जिंदा हो सकता है और वापस जरूर आएगा। ये सुनकर जैक को मजबूरी में खुद की मौत के लिए खुद की कब्र खोदना पड़ती है और अब उसे भी समझ में आ गया था कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए उसकी फैमिली के लिए अच्छा यही होगा कि कम से कम उसकी डेड बॉडी तो उसकी फैमिली को मिल जाए। अब अपने ग्रेव खोदने के बाद में जैक एक बार फिर से नेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, वो अपनी वाइफ रेचल की डेड बॉडी को वापस घर ले जाना चाहता है। वैसे भी उसने उसके भाई को मारकर बहुत बड़ी सजा पाई है, उसने अपनी दोनों आंखें खो दी है और अब लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही वो पुलिस को बता पाएगा कि उसके साथ में ये सब कहाँ पर और कैसे हुआ। उसके भाई को भी उसने मजबूरी में मारा था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, तो इसीलिए वो नेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और रेचल को हाईवे पर फेंक आए। लेकिन ये सब सुनकर भी नेड को जैक पर ज़रा भी दया नहीं आती है, वो जैक के साथ में रेचल की डेड बॉडी उस ग्रेव के अंदर फेंक देता है और फिर दोनों को वहीं पर दफना देता है। सीन कट होता है और कहानी अब फिर से पास्ट की तरफ आती है,
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आखिर जेको रेचल वहाँ पर कैसे पहुँचे। असल में दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी थी, दोनों के पास में कोई भी जॉब नहीं थी, तो इसलिए जैक ड्रग डीलिंग करने का सोचता है और कुछ ड्रग एडिक्ट से रिके के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है जो कि ड्रग को सेल करता है। तो इसीलिए वो और रेचल रिके से ड्रग खरीदने के लिए सिटी से दूर उस जगह पर आते हैं और वहाँ पर रिकी का एक गैरेज था। उन ड्रग्स के बारे में पूछने पर रिकी उनसे उनका फ़ोन लेकर एक बॉक्स में रख लेता है, फिर उनको ब्लाइंडफोल्ड करके अपनी कार से अपने घर तक लाता है ताकि रिकी वो माल कहाँ पर छुपाता है उनको पता नहीं चल सके। उस घर में रिकी ने एक पूरा के पूरा लैब बनाया हुआ था जहाँ पर वो उन ड्रग्स बनाया करता था। वो उन दोनों को दो पैकेट देता है, लेकिन जब उन्हें उन पैकेट का प्राइस पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उन पैकेट का प्राइस इतना ही होगा और इतने पैसे उनके पास थे ही नहीं, वे उन पैकेट्स को नहीं खरीद पाएंगे। ये जानकर रिकी गुस्से में जैक को मारने लगता है और जब रेचल उसे रोकने जाती है तो रेचल को जोर से धक्का दे देता है। उस चक्कर में रेचल का सर एक टेबल से टकराता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर रिकी जैक को बुरी तरह उस घर में मारने लगता है और ये मूवी का पहला सीन था और इस तरीके से दोनों वहाँ पर फंस चुके थे। इतना खतरनाक काम हाथ में लेने से पहले उन दोनों ने ठीक से छानबीन भी नहीं की थी जिससे कि दोनों वहाँ पर फंस गए थे और ऊपर से रेचल ने अपनी जान भी गंवा दी थी। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जैक किसी तरह उस ग्रेव से निकल चुका था और अब उसने ये ठान लिया था कि वापस घर पर जरूर जाएगा और रेचल की डेड बॉडी को इस अनजान जगह पर अकेला नहीं छोड़ेगा। अब बिना किसी डायरेक्शन के जाने जैक बस आगे बढ़ता जा रहा था तभी उसे एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है और उस कुत्ते को नेड चुप करा रहा था। तब जाकर जैक को समझ में आता है कि वो घूम फिर कर वापस से नेड के घर पर आ चुका था। नेड की आवाज़ सुनकर जैक खुद को घर के पीछे छुपा लेता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो सुनता है कि नेड बाथरूम में नहा रहा है तब वो चुपके से घर के अंदर आता है और किसी तरीके से किचन से चाकू निकाल लेता है। फिर वो नेड की आवाज़ को फॉलो करते हुए बाथरूम तक जाता है और चाकू से कई बार हमला करके नेड को जान से मार डालता है। नेड को मारना जैक के लिए बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि अगर जैक नेड के हाथों फिर से पकड़ा जाता तो वो उसकी भी बहुत ही बुरी हालत करता। नेड की माँ ये सब कुछ देख रही थी लेकिन उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो उठकर नेड को बचा पाए। फिर नेड को मारने के बाद में जैक किचन के कपड़े को अपनी आंखों पर बांध लेता है ताकि उसका ज़्यादा खून नहीं निकले और ऐसा करते टाइम दर्द की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसके बाद में वो नेड के डॉग को आज़ाद कर देता है और नेट का डॉग घूम फिर कर फिर से जैक के पास में आता है। यहाँ पर जैक ने जिस कुत्ते को आज़ाद किया था पिछले सीन में हमने देखा कि वही कुत्ता घूम फिर कर वापस से जैक के पास में आ गया था, लेकिन आंखें नहीं होने की वजह से जैक को पता नहीं चला था कि वो कुत्ता नेट का ही है। फिर इसके बाद में वहाँ से जैक बस चलता जाता है। उसे नई रात होती हुई दिखाई देती है और नई सुबह होती दिखाई देती है, तो इसीलिए वो बिना रुके बस चलता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा टूट चुका था और इस समय उसे किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत थी। वो अपने पेरेंट्स और रेचल को बहुत मिस कर रहा था। तब वो उसी गाने को गाने लगता है जो कि उसकी वाइफ उसके लिए गाया करती थी। इससे जैक को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो फिर से भागने लगता है। बहुत देर तक भागने के बाद में जैक फिर से रुक जाता है और तब उसके हाथ किसी जानवर की हड्डी लगती है। एक बार के लिए जैक उस हड्डी से अपने हाथ की नसों को काट कर अपनी जान लेने की सोचता है, लेकिन बिना आँखों के इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी दूर आने के बाद में वो अपनी जान नहीं ले पाता है। उसे किसी भी तरीके से अपने घर पर पहुंचना था, अपने पेरेंट के पास में और रेचल के डेड बॉडी को भी उसे घर ले जाना था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो हार नहीं मानना चाहता था, तो इसीलिए कुछ देर रेस्ट करने के बाद जैक फिर से चलने लगता है और फाइनली वो किसी रोड पर आ गया था। जैसे ही वो रोड को टच करता है उसे थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, जिसके बाद में वो उसी रोड के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद में जैक को किसी कार की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उस कार से नेट का डॉग बाहर निकलता है पर आगे नहीं होने की वजह से जैक समझ नहीं पाता है कि वो नेट का ही डॉग है। वो उस कार और उस कुत्ते को अपने पास में पाकर बहुत ही खुश हो रहा था। उसे पता नहीं था कि कार से नेट और रिकी के पिता लियो बाहर निकलते हैं जो कि जैक को कार में बिठाते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। जैक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके कार के पीछे नेड और रिकी की डेड बॉडी भी पड़ी है। जैक ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि वो आदमी उसे बचा लेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में वो हॉस्पिटल में होगा और डॉक्टर उसे बचा लेंगे और वो रेचल की डेड बॉडी को भी अपने साथ में ले जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी।
कार फिर से आकर नेट के घर रुकती है, लेकिन जैक को लगता है कि कार उसके अपने घर पर आकर रुकी है और उसके पेरेंट्स उसके सामने हैं। तभी लियो जैक के पास आता है और उसका पेट चाकू से पूरा चीर कर उसके इंटेस्टाइन को बाहर निकालने लगता है, जिससे कि जैक की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इस मूवी में रिकी की जरा सी गलती की वजह से जैक की पत्नी रेचल की जान चली गई। अपनी पत्नी की मौत का बदला जैक ने रिकी को मार के लिया और निकी के भाई नेट ने रिकी की मौत का बदला जैक से उसकी आंखें छीन कर लिया। और मूवी के एंड में रिकी और नेट के पिता ने अपने दोनों बेटे की मौत का बदला जैक की जान लेकर लिया। लाखों कोशिश करने के बाद भी जैक उस नरक से अपने घर पर वापस नहीं जा पाया और उसकी जिंदगी का आखिरी समय भी दर्द में गुजरा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।